हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अनुराग सिंह और दोस्तों मैं लेकर के आया हूँ आप लोग के एक बहुत ही अच्छा सा लेक्चर, जहां पर हम लोग देखेंगे गाइस डिटेल में पूरा एलिफेंट रिजर्व। और यहाँ पर उन सारे पॉइंट्स को मैं आप लोग के साथ में डिस्कशन करूंगा जो एग्जाम में आएंगे। इवन गाइस मैं आप लोग को मार्क करके भी दूंगा, तो इससे क्या होगा आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी इस टॉपिक में और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हेलो एवरीवन, हेलो जितेंद्र, हेलो पंकज, हेलो गाइस। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम लोग हमारा सेशन। और जो बच्चे भी यार अभी आ चुके हो यार, एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि मेरा नाम अनुराग है और दिस इज माय कोड, और इस कोड का यूज करके आप अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन जो है वो परचेस कर सकते हो, है ना। बिल्कुल। हेलो मनीष, हेलो हेलो एवरीवन, हेलो आसिम, हेलो भाई एवरीवन। और आपको बताता हूँ कि वो सारे पॉइंट मैं आपको बता दूंगा जो एग्जाम में आएंगे। और दोस्तों दिस इज माय प्रोफाइल ऑन अनअकैडमी, आप अगर मुझे यहाँ पे फॉलो करोगे तो मेरे स्पेशल क्लासेस के नोटिफिकेशन भी आपके पास आएंगे। अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करें अनअकैडमी के बारे में, तो दोस्तों अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में भी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि यहाँ पर गाइस 19th ऑफ अप्रैल से मेरी एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है। और इसके अलावा हम लोग बात करें गाइस नए बैचेस भी हर वीक आ रहे हैं, तो आप जो प्लस सब्सक्रिप्शन है उसको लाइव भी देख सकते हो, रिकॉर्डेड भी देख सकते हो और हर लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो ये तो हो गई बात डिटेल कोर्स की। इसके अलावा आपके पास रिविजन के लिए यहाँ पे क्रैश कोर्स भी अवेलेबल होते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको रिवाइज कराते हैं। देन दोस्तों हर संडे को वीकली टेस्ट होता है और हर फोर्थ सेशन आपका डाउट क्लियरिंग सेशन होगा। और बायलिंगुअल जो है कोर्सेस यहाँ पर अवेलेबल होते हैं आपके लिए, तो आपको गोल में जाकर के एसएससी एग्जाम सेलेक्ट करना है, देन आपको जाना है दोस्तों यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन में। और इस समय गाइस अगर हम लोग बात करें तो देखो 1 ईयर की फी है 6500, बट ये पे नहीं करना है, जस्ट यूज कोड NG10, इंस्टेंट आपको 10% ऑफ मिल जाएगा और फी हो जाएगी 5850। दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करें 30+ बैचेस एवरी वीक आ रही है, 300+ क्लासेस एवरी डे हो रही है। और अगर हम लोग बात करें दोस्तों 40,000 आवर का रिकॉर्डेड कंटेंट है, 20,000 यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन है, 70+ टॉप एजुकेटर इंडिया के आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ का सेशन। एक बार मैं आप लोगों के कमेंट देख लेता हूँ। हेलो हेलो भानु, हेलो आसिम, हेलो एवरीवन, हेलो छाया, हेलो लक्षिता, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गाइस चलिए स्टार्ट करें हम लोग हमारे सेशन को। और सुनेगा मैं जितने पॉइंट बोलूंगा उसको बहुत ध्यान से पढ़ना आप सभी बच्चों को। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों से एक पहला क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा कि जो एलिफेंट होते हैं, जो हाथी होते हैं, वो कौन कौन से महाद्वीप पे हमको देखने को मिलते हैं। तो पहली बात तो दोस्तों आप लोग ये याद रखो कि एलिफेंट सिर्फ दो कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेंगे, दो महाद्वीप पे देखने को मिलेंगे। एक हो जाएगा एशिया और दूसरा हो जाएगा अफ्रीका। इसका मतलब क्या है कि अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, इनके पास भाई साहब एलिफेंट जैसा कोई चीज आपको देखने को नहीं मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों हम लोग बात करें तो हम जिस महाद्वीप में रहते हैं, हम जिस कॉन्टिनेंट में रहते हैं, वो कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ में बात करूंगा किसके बारे में? एशिया के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट एक लिख लो कि एशिया में जो हम लोग गाइस बात करें जो एलिफेंट है वो कितने देशों में मिलता है। तो एशिया में दोस्तों एलिफेंट है वो 13 कंट्रीज में मिलता है और इन्हीं को हम लोग एक साथ बोलते हैं एशिया में, इनको हम लोग एक साथ क्या बोलेंगे? एलिफेंट रेंज कंट्रीज। तो एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में यही आ चुका है, ये आपके यूपी पीसीएस में 2 से 3 बार पूछा हुआ है कि एलिफेंट रेंज कंट्रीज कितनी होती हैं। तो याद रखो दोस्तों ये होती है 13। हेलो कांशा, हेलो आसिम, एवरीवन गाइस, है ना। तो एक एक करके आप लोग मुझे सुनते जाओ। दो कॉन्टिनेंट में एशिया और अफ्रीका, एशिया में कितने देशों में? 13 देशों में, और इन 13 देशों को एक साथ क्या बोलते हैं? एलिफेंट रेंज कंट्री बोलते हैं। अब अगर हम लोग गाइस यहाँ पे बात करें एशिया में कहां कहां पे मिलते हैं, तो सबसे पहले हम लोग साउथ एशिया की बात करते हैं। तो यहां पर देखो साउथ एशिया मतलब सार्क वाले देशों में कहां कहां पे, तो एक हो जाएगा बांग्लादेश, देन बात करो दोस्तों भूटान, एक हमारे यहाँ पे इंडिया, देन दोस्तों हम लोग बात करते हैं नेपाल, उसके बाद श्रीलंका। क्या पाकिस्तान में आपको एलिफेंट देखने को मिलेगा? तो आंसर है जी नहीं, पाकिस्तान में आपको एलिफेंट देखने को नहीं मिलेगा। देन दोस्तों ईस्ट एशिया में चलते हैं तो आपको मिल जाएगा चाइना। ये टोटल कितने कंट्री हो गए? 6। सभी बच्चों को यार नमस्कार है और आप एकदम टॉपिक पे फोकस करो, बिल्कुल गुड मॉर्निंग वगैरह मत करिए, बस आप लोग क्वेश्चन सुनिएगा और जो भी समझ में आया वो पूछिएगा, ठीक है दोस्तों। हेलो पवन, हेलो आकांक्षा, पवन एवरीवन, दोस्तों आसिम, बिल्कुल। तो यहाँ पर 6 हो गए। अगला देखो यहाँ पे कंबोडिया चलते हैं, 7 हो जाएगा, इंडोनेशिया 8 हो जाएगा, लाओस आपका 9 हो जाएगा, मलेशिया 10 हो जाएगा, म्यांमार आपका 11 हो जाएगा, थाईलैंड आपका 12 हो जाएगा और वियतनाम आपका हो जाएगा 13। तो एशिया के ये 13 देश है जहां पर गाइस आप लोगों को क्या देखने को मिलता है? एलिफेंट देखने को मिलता है। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, चाइना, देन ये सारे के सारे देश। और दोस्तों अगर हम लोग बात करें एशिया में जो एलिफेंट पाया जाता है
उसका साइंटिफिक नेम क्या है ये भी याद रखो, एलिफस मैक्सिमम। एलिफस मैक्सिमम ये वो एलिफेंट होते हैं जो हमको मिलते हैं कहां पर, एशिया में। तो अगर इंडिया में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलिफस मैक्सिकम इंडिकस के नाम से इंडिया में मिलेगा एलिफेंट। चलिए अगले पॉइंट की तरफ गाइस हम लोग यहाँ पे मूव करते हैं, और अगला पॉइंट यहाँ पे क्या है बहुत ध्यान से सुनेंगे। बात है दोस्तों 2010 की, 2010 की बात है, 2010 की बात है कि एलिफेंट को हमारी गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने डिक्लेयर कर दिया था नेशनल हेरिटेज एनिमल। तो ये भी क्वेश्चन आएगा कि भाई साहब जो भारत सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसने एक विरासत पशु के रूप में अगर हम लोग बात करें हाथी को कभी डिक्लेयर किया तो 2010 में। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें, हमारे यहाँ पे एक एक्ट है जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो इसमें अलग अलग शेड्यूल है, तो इसका जो शेड्यूल नंबर 1 है उसमें एलिफेंट को रखा गया है। और अगर किसी भी एनिमल को शेड्यूल 1 में रखा जाता है तो समझ लेना उसको हम लोग को बहुत हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, वो जो एनिमल है वो खतरे में है। यस और नो, वो खतरे में है, ये बात आप लोग को यहाँ पे ध्यान में रखना है। एक बार आप लोग मुझे बता दो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। हेलो अवधेश, हेलो एवरीवन गाइस, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं अगर हम लोग बात करें तो। अगर शेड्यूल 1 में एलिफेंट को रखा गया मतलब है उसको बहुत ज्यादा सिक्योरिटी हमको प्रोवाइड करना है। हमारे यहाँ दोस्तों वैसे तो 28 स्टेट है, लेकिन अगर हम लोग बात करें बाय डिफॉल्ट जो एलिफेंट है वैसे वो कितने स्टेट में मिलते हैं, 16। पर अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, जिस तरीके से इनके रहने का जो क्षेत्र है उसको खराब किया जा रहा है, तो एलिफेंट है अब लगभग 23 राज्यों में हमको मिलने लगे। पर जो ओरिजिनली हम लोग बात करेंगे तो 16 राज्यों में हमारे यहाँ पे दोस्तों एलिफेंट आपको देखने को मिलते हैं। यस और नो, ओके, ऑल गुड, ऑल गुड। चलिए तो यहां तक सभी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों अभी तक मैंने आपको जो बताया उसमें एक ये पॉइंट भी याद रखना कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, 1972 में आया था, और हमारे यहाँ पे ओरिजिनली कितने स्टेट्स में मिलते थे एलिफेंट, 16। अगला देखते हैं। अब ये बेटा मैंने दो क्वेश्चन उठाए करंट अफेयर से क्योंकि ये आपके एग्जाम में आएंगे। हमारे देश का फर्स्ट एलिफेंट हॉस्पिटल जो है ये कहां पर ओपन किया गया दोस्तों, तो याद रखो ये ओपन किया गया है मथुरा में, और ये गवर्नमेंट ने ओपन नहीं किया है, ये एक एनजीओ ने जो कि एक गैर सरकारी संस्था है जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ SOS, इन्होंने ओपन किया है। दूसरी बात दोस्तों, एलिफेंट्स को सपोज करो जो उनका पुनर्वास केंद्र है यानी कि जो आपका रिहेबिटेशन सेंटर है ये कहां पर ओपन हुआ है, तो ये भी आप लोग याद रखो ये ओपन हुआ है कुट्टूर में, और ये कहां पर है, केरल में। तो ये दोनों बातें आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने करंट अफेयर से उठाया आपके लिए। यहां पर थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे देखो, ये मैंने दो इमेज रखी है, एक आपको कुट्टूर केरल की दिख जाएगी जहां पे पुनर्वास केंद्र है, और दूसरा आपका एलिफेंट हॉस्पिटल है जो है आपका मथुरा में, ठीक है ना। तो दोनों बातें हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगले पॉइंट की तरफ देखते हैं दोस्तों, तो अब यहां से हम लोग बात करते हैं। तो ये सब तो मैंने आपको हिस्ट्री बता दी, थोड़ी बहुत बेसिक्स बता दी, अब बात होती है कि एलिफेंट को संरक्षण करना था जहां जहां पर एलिफेंट सबसे ज्यादा मिलते हैं, तो हमारी देश की सरकार ने क्या लाया, प्रोजेक्ट एलिफेंट लाया। और इसको स्टार मार्क कर लेना कि भाई साहब प्रोजेक्ट एलिफेंट कौन से ईयर में आया, तो आपके एग्जाम में आता है कि भाई साहब जिस तरीके से प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973 में, उसी तरीके से प्रोजेक्ट एलिफेंट लाया गया 1992 में, ठीक है। अब यहां पर एक वर्ड लिखा है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब क्या होता है, केंद्र द्वारा आप बोल सकते हो, आप केंद्र द्वारा आप बोल सकते हो इसमें अनुदान मिलेगा, पर पूरी तरीके से केंद्र की जो सरकार है वो इसका खर्चा वहन नहीं करेगी, आपको ये बात याद रखना है। कुछ जो परसेंटेज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी प्रोजेक्ट एलिफेंट का, और कुछ स्टेट। तो आप बोल सकते हो कि ये पार्टनरशिप में चलने वाला प्रोजेक्ट था प्रोजेक्ट एलिफेंट। अब प्रोजेक्ट एलिफेंट जो लाया गया इसके क्या क्या एम थे, क्या क्या उद्देश्य थे, इनको भी आप लोग को समझना है। हेलो एवरीवन, हेलो गाइस, है ना, हेलो अमित। अब इसको समझना है, सबसे पहले हमको प्रोटेक्ट करना था एलिफेंट को, तो उसके लिए हमको उनके जो हैबिटेट है मतलब उनका ओरिजिनल जो स्थान है जहां पे रहते हैं उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और एलिफेंट कॉरिडोर, कॉरिडोर का मतलब होता है दोस्तों गलियारा, मतलब वो एरिया जहां से जो आपके हाथी हैं वो आया जाया करते हैं उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। सेकेंड एम क्या था, मैन एनिमल का जो कंफ्लिक्ट होता है, देखो तीन एम के साथ में प्रोजेक्ट एलिफेंट लाया गया था, 1, 2, 3, ठीक है ना। मतलब जो हाथियों के बीच में और इंसानों के बीच में जो भिड़ंत जाती है, जैसे कि आप लोग बात करो जो रेलवे लाइन है वहां पर एलिफेंट देखने को मिल जाते हैं। अगर हम लोग गाइस यहाँ पे बात करें आपका, हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के वायर लगा रखे हैं कहाँ पे, खेतों में, वहां पे आपको एलिफेंट देखने को मिल गया। यस और नो, उसी तरीके से हम लोग बात करें
जो बंधक एलिफेंट है, यानी कि गाइस मैं यहाँ पे बात करूं, हमको ध्यान रखना है, वेलफेयर करना है किसका, कैप्टिव एनिमल्स का। मतलब हमने देखा हो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया कि ओरिजिनली सिर्फ और सिर्फ 16 राज्यों में पाए जाते थे, पर धीरे धीरे जैसे जैसे उनके हैबिटेट, उनके रहने के स्थान को खत्म किया गया, वो धीरे धीरे क्या होने लगे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाने लगे। और हम अगर बात करें तो बहुत जगह पर एलिफेंट को बंधक बना करके रखा जाता है। आपने देखा होगा कि वो आपके मोहल्ले में गली में लाया जाता है, लोग उससे पैसे भी कमाते हैं। और सबसे ज्यादा एलिफेंट तो बेटा जो कैप्टिव एलिफेंट हम लोग बात करें, बंधक जो एलिफेंट है, वो साउथ इंडिया में मंदिरों में आपको देखने को मिलेंगे, खास करके केरल वगैरह में, है ना। तो ये सब बातें भी आप लोग को ध्यान में रखना है। हेलो अमित, शिवानी, आयुषी, विरासत, है ना। तो ये सारी बातें आप लोग को बहुत अच्छे से समझना है। तो 3 एम के साथ में प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया गया। अगली बात, जैसा कि गाइस मैंने आप लोग को बताया, कि भाई साहब जो एलिफेंट है वो सिर्फ दो ही कॉन्टिनेंट में, दो ही महाद्वीप में मिलता है, एक अफ्रीका और दूसरा एशिया। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, यस और नो, अब इसमें क्या क्या डिफरेंस होता है ये हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो जो हमारा एशिया का एलिफेंट है, या फिर आप बोल सकते हो जो इंडियन एलिफेंट है, ये साइज में स्मॉल होते हैं, और अफ्रीका का जो एलिफेंट होता है इनकी साइज बहुत ज्यादा होती है, बहुत ह्यूज होती है। इनका जो आप ये देख रहे हो ना ईयर, ऐसा बोला जाता है कि अफ्रीका के मैप के जैसा है। यस और नो, आप खुद सोचो, आप अगर सोचने की कोशिश करोगे तो लगभग अफ्रीका के मैप के जैसा इनका ईयर होता है, इनके कान होते हैं। और अगर मैं इनके कान के बारे में बात करूं तो इनके कान बड़े हैं, ईयर इनके बड़े हैं, जबकि इंडियन जो है एलिफेंट या फिर एशियन जो एलिफेंट है इनके कान छोटे होते हैं। ये सब डिफरेंस आप लोग को ध्यान में रखना है। अगले बात मैं चलूं तो यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से देखो, ये है अफ्रीकन एलिफेंट, ये पूरी तरीके से मैंने अफ्रीकन डाले हैं। तो जो अफ्रीकन एलिफेंट होते हैं ना, इनकी बॉडी पे बहुत सारे रिंकल्स होते हैं। देखो बहुत सारे आपको रिंकल्स दिख रहे हैं, जबकि अगर हम लोग बात करेंगे, ये देखो इंडियन या फिर एशियन है, यस और नो, इसकी बॉडी पर आपको रिंकल्स यानी कि धारियां देखने को नहीं मिलेंगी। दूसरी बात, अगर हम लोग बात करें जो यहाँ पर आप लोग देखो, तो इनके ईयर्स देखो, कान देखो, अफ्रीका के मैप को भी दिखाते हैं एक तरीके से, आप लोग सोचो। और बहुत इनके कान बड़े हैं, जबकि एशियन जो है, जो इंडियन है, उनके बहुत छोटे हैं। आप यहाँ पे कंपेयर करके देख सकते हो, और यहाँ पर एक अच्छी तरीके से मैं मैप बना सकता हूँ। ये देखो, ये पूरा अफ्रीका का मैप बन जाएगा अगर आप लोग ध्यान से इसको कोशिश करो तो, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, और एक बात, जो ये जो टस्क होता है जिसको हम लोग हाथी दांत बोलते हैं, टस्क होता है जिसको हम लोग हाथी दांत बोलते हैं, अफ्रीका में क्या होता है, चाहे मेल एलिफेंट हो चाहे आपका फीमेल एलिफेंट हो, दोनों में आपको मिलता है, यस और नो। पर ये एक फीमेल एलिफेंट है। ये मैंने कैसे बता दिया, क्योंकि एशिया में सिर्फ और सिर्फ मेल जो एलिफेंट होता है उसमें ही टस्क होता है, यानी कि हाथी दांत होता है। मेरे ख्याल से बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा ये बात। बेटा एलिफेंट रिजर्व पढ़ा रहा हूं मैं, है ना, ये पढ़ा रहा हूँ, ये टॉपिक है यहाँ पे, समझ में तो आ रहा होगा सबको, तो चीजें आप लोग समझो, आई थिंक क्लियर हो रहा है। तो अगर हम लोग बात करेंगे, हमारे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो मेल एलिफेंट होगा वहां पे टस्क होगा, यानी कि हाथी दांत होगा, यस और नो, ये बात क्लियर हो रही है। अब जो सारी बातें मैंने बताई, मैंने यहाँ पे लिखी, देखो एशिया का जो एलिफेंट होता है वो स्मॉलर होता है साइज में, अफ्रीका का कैसे होता है, देखो बड़ा होता है। दूसरा देखो, हमारे यहाँ पे कान बहुत छोटे होते हैं, इनके यहाँ पे देखो बहुत ही बड़े होते हैं। ये सब डिफरेंस माइन्यूट है। इनके यहाँ पे रिंकल्स होते हैं, हमारे यहाँ पे दोस्तों देखो प्लेन स्किन है, यह सब देखो बिल्कुल प्लेन स्किन है। यहाँ पर गाइस हम लोग बात करें, जो एशिया में है जो टीथ फाउंड होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है, मेल एलिफेंट में होता है। ये सब क्वेश्चन आपके आते हैं पीसीएस वगैरह में, और फीमेल में हमारे यहाँ पे नहीं होता। जबकि यहाँ पर क्या है गाइस, जो टीथ होते हैं वो मेल और फीमेल दोनों में होते हैं। अगर आपको लगा है कि पहली बार ये पता चला है तो मुझे कॉमेंट में जरूर बताना कि आज तक हमको ये नहीं पता था। तो दूसरी बात गाइस, हमारे यहाँ पे जो टीथ होते हैं ना वो डाउनवर्ड्स होते हैं, मतलब ये देखो नीचे की तरफ जाएंगे, यहाँ पर जो टीथ होते हैं वो नीचे की तरफ जाएंगे, जबकि इनके यहाँ क्या होता है, पहले तो नीचे की तरफ जाएंगे बट जब आखिरी की तरफ जाएंगे तो जो टीथ है अपवर्ड हो जाते हैं, देखो ऊपर की तरफ चले जाते हैं, यस और नो। तो ये हो जाता है आपका अपवर्ड टीथ, यस और नो। तो हमारे यहाँ पर रिंकल फ्री स्किन है, तो किसी प्रकार की कोई भी क्रीम का एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे नहीं चलेगा, अगर हम लोग किसके बारे में बात करें, एलिफेंट्स के बारे में। बिल्कुल फर्स्ट टाइम पढ़ा है, बिल्कुल गाइस, है ना। चले अगले पॉइंट पे चलता हूँ, और अगला पॉइंट क्या है इसको भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखो IUCN आप जानते हो दोस्तों, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यस और नो। और आप सभी जानते हो दोस्तों, ये रिलीज करता है क्या, रेड डेटा बुक, है ना, क्या रिलीज करता है, रेड डेटा बुक। तो इनके हिसाब से जो अफ्रीका का एलिफेंट है वो वल्नरेबल है
लेकिन जो एशिया का एलिफेंट है वो एंडेंजर्ड है, मतलब हमारे यहाँ पे जो एशियन एलिफेंट है वो बहुत ज्यादा खतरे में है। बहुत जल्दी आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि दोस्तों ये धीरे धीरे खत्म हो जाए। तो ये सब बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, फर्स्ट टाइम पता चला, बिल्कुल गाइस बस ध्यान से सुनते जाओ, ऐसे टॉपिक्स ही हम लोग आप किया करेंगे ज्यादा, ताकि आपको चीजें समझ में भी आए और एग्जाम में भी आती है। मैंने आपको शुरू से लेकर आखिरी तक एक बार क्विक रिविजन करवा दूंगा लास्ट में। चलें, तो हमारे यहाँ पे याद रखना एशियन एलिफेंट बहुत ज्यादा खतरे में है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो आपसे क्वेश्चन आएगा, वर्ल्ड एलिफेंट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो आप देखो यहाँ पे ध्यान से, 12 अगस्त को आपका वर्ल्ड एलिफेंट डे आपको देखने को मिलता है। और हम लोग बात करें पहली बार ये कब ऑब्जर्व किया गया, 2012 में। और हमारे यहाँ पे ये स्टार पॉइंट याद रखना कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनका स्टेट एनिमल, यानी कि दोस्तों मैं कलर यहाँ पे एक बार चेंज कर लेता हूँ, राजकीय जो पशु है वो हाथी है। कौन कौन सा स्टेट है जहां का राजकीय पशु हाथी है? तो एक तो हो जाएगा दोस्तों झारखंड, दूसरा हो जाएगा केरला और तीसरा हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक। यस और नो? और दोस्तों याद रखना, एलिफेंट को बचाने के लिए लोगों को, अगर हम लोग गाइस बात करें याद दिलाने के लिए कि हमको हमको क्या करना है, हाथियों को, एलिफेंट को प्रोटेक्ट करना है, तो अपने यहाँ पे एक चलती है गज यात्रा कैंपेन। ये भी याद रखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कैंपेन है गज यात्रा कैंपेन। इसमें क्या करते हैं, हाथियों का मॉडल बनाते हैं और इसको दिखाया जाता है। तो गज यात्रा कैंपेन भी आप याद रखना हाथियों के लिए। तीन स्टेट के एनिमल है, झारखंड, केरल और कर्नाटक। यस और नो? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसको स्टार मार्क कर लेना दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि एलिफेंट सेंसस, और सेंसस को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जनगणना। तो ये होती है हर 5 साल में, ये होती है हर 5 साल में, ठीक है ना। जिस तरीके से हम लोग बात करेंगे, टाइगर सेंसस कब होता है, 4 साल में। लेकिन अगर हम लोगों से दोस्तों पूछ लिया जाए कि एलिफेंट सेंसस कब होता है, तो एवरी 5 ईयर में, हर 5 साल में होता है। 2017 में हुई थी और अब कब होगी दोस्तों, तो याद रखना अब होगी ये 2022 में। तो अभी 2022 तो आया नहीं, तो हमको 2017 का डाटा ही पढ़ना है। यस और नो? 2017 का डेटा ही हम लोग को पढ़ना है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, देखो जब 2017 का जनगणना हुआ तो उसी समय डेटा रिलीज कर दिया गया। उस समय ये बताया गया कि भारत में कुल कितने हाथी है, 27,312। लेकिन इसकी फाइनल रिपोर्ट आते आते 2019 हो गया और ये बताया गया कि भारत में लगभग कितने हाथी हैं, 30,000 हाथी हैं। ये तो बात हो गई। आपको क्या क्या रखना है कि सेंसस कब होता है, हर 5 साल में, और सबसे ज्यादा हाथी कौन से स्टेट में है। तो गाइस ये सुपर इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा हाथी आपको कर्नाटक में मिलेंगे, देन आसाम में मिलेंगे, देन केरला में मिलेंगे। तो ये पॉइंट भी आप लोग को बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में आएगा। यार मुझे इस समझ में नहीं आ रहा, इस वाले सेशन को भी एक बंदा डिसलाइक कर रहा है। दोस्त आपको इसमें क्या समझ में नहीं आया बताओ, पहले तो मुझे ये बताओ, है ना। और अगर आपको मजा ही आता तो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। यस और नो? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर हम लोग बात करें, यहां तक की तो बात हमारे लिए क्लियर हो जाती है, बट सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये सब तो वो हाथी हैं जो कहाँ पे रहते हैं दोस्तों, याद रखो ये वो हाथी हैं जो फॉरेस्ट में है। यहाँ पर उन हाथियों को काउंट किया ही नहीं गया था जो कहाँ पर हैं, जिनको कैप्टिव करके रखा गया है, मतलब कि जो हाथी क्या है, बंधक हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर बंधक हाथियों का भी सर्वे कराया गया और ये कराया गया 2019 में, जिसमें ये पता चला कि भारत में लगभग 2,500 ऐसे हाथी हैं जो बंधक हैं, और सबसे ज्यादा आपको आसाम में मिलेंगे और उसके बाद केरल में। और हम लोग बात करें गाइस, तो ऐसा जरूरी नहीं है, याद रखना कि कुछ हाथी तो आपको देखने को मिलेगा जो लोग लेकर के आते हैं दिखाते हैं, पर जो ज्यादातर हाथी हैं वो अच्छी हालत में है। हालांकि हम लोग बात करें टेम्पल्स वगैरह में रखा गया है तो उनको अच्छे से उनकी देखभाल भी की जाती है, लेकिन बंधक हाथी सबसे ज्यादा कहाँ पर है, तो ये भी आप याद रखो, ये सबसे ज्यादा है आसाम में, सेकेंड नंबर पे केरल में। उसके बाद ये याद रखना दोस्तों, एलिफेंट कॉरिडोर, एलिफेंट कॉरिडोर इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हम लोग बात करें मैन और एलिफेंट का जो कन्फ्लिक्ट है वो ना हो, और यहाँ पे कोशिश ये की जाएगी कि एलिफेंट को बचा करके रखा जा सके। यस और नो? तो दोस्तों इस समय इंडिया में 100 से भी ज्यादा एलिफेंट कॉरिडोर हैं, और याद रखना सबसे ज्यादा एलिफेंट कॉरिडोर जिस स्टेट में है वो स्टेट है आपका वेस्ट बंगाल। यस और नो? है ना, वो स्टेट है आपका वेस्ट बंगाल। भाई व्हाइट एलिफेंट कहाँ पे मिलते हैं सभी लोग जानते हैं, एक ही जगह है। यस और नो? वो है थाईलैंड, है ना। व्हाइट एलिफेंट कहाँ पे मिलते हैं, थाईलैंड, ये तो अपन लोग नॉर्मली करते हैं,
हाँ तो जो बच्चे, हाँ भाई सर्कस में भी जो होते हैं ये इन्हीं में से हैं। जो सर्कस वगैरह में आपको जो दिखते थे ना भाई, वो सब भी बंधक ही हैं, वो भी कैप्टिव ही हैं। टेम्पल्स में भी आपको देखने को मिलेंगे, पर जो सर्कस वगैरह में उनकी हालत अच्छी नहीं है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये सर्वे भी आप लोग करवाइए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों एक फुल फॉर्म आपको याद रखनी है बस, और ये फुल फॉर्म किसकी है, माइक प्रोग्राम। आप ये याद रखो, माइक प्रोग्राम कब आया था, 1997 में आया था। और माइक प्रोग्राम का फुल फॉर्म क्या है, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें, जो एलिफेंट होते हैं जो उनको इलीगली तरीके से मार दिया जाता है, मतलब उनको गोली मार दी जाती है, फिर उनका ये जो टस्क है, यस और नो, ये जो इनका टस्क है, जो इनका हाथी दांत है, इसकी आप जानते हो स्मगलिंग वगैरह बहुत होती है। और कुछ तो बहुत ज्यादा चाइनीज टाइप के लोग हैं जिनको लगता है कि हाथियों की जो मांस वगैरह खाने से बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, मतलब स्टेमिना बढ़ जाएगी, लाइक दैट, है ना, आपको बीमारियां नहीं होंगी, है ना, आप बहुत जल्दी, आपका बोल सकते हो कि भाई, आप बोलते हैं लोग कि बीपी वगैरह की बीमारी नहीं होती, तो इस तरीके की अफवाहें फैली हुई हैं, तो ये सब हरकतें भी होती है, यस और नो। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए माइक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 1997 में, याद रखना, ये कोशिश करता है कि अवैध किलिंग इनकी ना हो, यस और नो, बिल्कुल। देन गाइस हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से मैंने डेटा लिया, तो उन्होंने ये बताया कि जो एलिफेंट रिजर्व है हमारे देश में आज की डेट में, ये कितने हैं दोस्तों, तो ये है टोटल 32। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बोल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा, यस और नो, बिल्कुल यस और नो। अगर गाइस हम लोग बात करते हैं तो हम लोग याद रखेंगे यहाँ पे 32, पर यहाँ पर आपको मैं 32 की लिस्ट जरूर दे रहा हूँ, ये पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, आप लोग यहाँ पे देखो 32। पर यहाँ पर एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन है ना, अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट में अपडेट नहीं हुई है, तो ये 2005 का डाटा दिया हुआ है ना, लेकिन हमारे पास जो लेटेस्ट है वो है कौन सा, 2017 का। तो वो इस पॉपुलेशन पे आप लोग मत जाना, आपके एग्जाम में जो आएगा वो ये आएगा, फर्स्ट एलिफेंट रिजर्व कौन सा है, फर्स्ट एलिफेंट रिजर्व कौन सा है, ये आप लोग याद रखो, और इसका आंसर हो जाएगा सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व। और सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व कहां पर है दोस्तों, तो ये आपको देखने को मिलेगा झारखंड में, ये आप याद रखो, ये आपके एग्जाम में आएगा, यही वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट एलिफेंट रिजर्व। वैसे तो हमारे पास टोटल कितने दोस्तों, 32, तो वो पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। अब गाइस अगर मैं बता दूं एक बार क्लास को स्टार्टिंग से कि आप कौन कौन से पॉइंट याद रखोगे, उतने पॉइंट आप लोग याद रख लेना, सारी बातें मैंने आपको समझाई है बहुत डिटेल में। तो देखो अब एक बार सारे बच्चे बहुत ध्यान से सुन लेना, यस सर, सारे बच्चे एक बार ध्यान से सुन लेना, क्या क्या मैंने बोला, पूरे वर्ल्ड में कौन कौन से कॉन्टिनेंट में आपको मिलेंगे एलिफेंट, दो, एशिया और अफ्रीका। एशिया में कितने देशों में मिलते हैं, 13, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिफेंट रेंज कंट्री, ठीक है। एशिया में जो एलिफेंट मिलता है उसका साइंटिफिक नाम क्या है, इलेफस मैक्सिमम, याद रखेंगे, सुपर इंपॉर्टेंट है। देन आपको याद रखना है 2010 में इसको नेशनल हेरिटेज एनिमल डिक्लेयर किया गया, उसके बाद इसको द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जो आया था 1972 में, उसके शेड्यूल वन में रखा गया है, और जिसको भी शेड्यूल वन में रखा जाता है उसको हाई सिक्योरिटी में रखना होता है, क्योंकि वो एनिमल डेंजर में होता है ना। उसके बाद हम लोग बात करें, वैसे ओरिजिनली हमारे देश में 16 स्टेट ऐसे थे जहां पर आपके एलिफेंट मिलते थे, 28 में से, लेकिन जैसे जैसे उनके रहने के स्थान कम हुए तो धीरे धीरे माइग्रेट हुए, और आज की डेट में इनकी संख्या हो जाती 23। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये सुपर इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला एलिफेंट हॉस्पिटल कहाँ खुला, मथुरा में, कौन से एनजीओ ने खोला, वाइल्ड लाइफ एसओएस, और उसके बाद फर्स्ट इनका जो पुनर्वास केंद्र है ये कटकुट्टूर नाम की जगह है केरल में, वहां पर ओपन हुआ, ये याद रखेंगे। तो ये आपके सामने इमेज मैंने डाल दी थी। उसके बाद गाइस प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया, सुपर इंपॉर्टेंट है, 1992 में आया, ये आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद दोस्तों डिफरेंस मैंने आप लोग को बता दिए हैं, ये डिफरेंस आपके स्टेट एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो इसको एक बार जरूर देख लेना, मैंने पूरे डिफरेंस बताए हैं और क्या क्या डिफरेंस है वो मैंने आपको यहाँ पे लिस्ट आउट भी यहाँ पे कर दिए हैं, यस और नो, आई होप गाइस कोई दिक्कत यहां तक नहीं आई होगी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो मैंने आपको क्या बताया कि IUCN के जो रेड डाटा बुक है उसमें अफ्रीकन जो एलिफेंट है वो वल्नरेबल है, लेकिन जो एशियन वाला है वो एंडेंजर्ड, ठीक। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे स्टेट एनिमल भी बता दिए थे, 3 स्टेट के राजकीय पशु कहाँ कहाँ का ये बताओ। तो बेटा मैंने सब कुछ एक एक चीज कवर कर दिया है, झारखंड, केरल और कर्नाटक का, और वर्ल्ड एलिफेंट डे कब आता है ये भी मैंने आपको बता रखा है, 12 अगस्त कहा गया है, ठीक है, चले। और याद रखना गज यात्रा कैंपेन भी आप लोग को यहाँ पे याद रखना है, यस और नो। तो गाइस ये उसके बाद आप क्या याद रखोगे, लेटेस्ट जो सेंसस हुआ 2017 का और हर 5 साल में होता है, सबसे ज्यादा एलिफेंट कहां पर है, तो याद रखो कर्नाटक में, और जो बंधक एलिफेंट है वो सबसे ज्यादा कहां पर है, तो आंसर हो जाएगा असम,
और सबसे ज्यादा एलिफेंट कॉरिडोर यानी कि एलिफेंट गलियारा कहां पर है, तो ये हो जाएगा वेस्ट बंगाल में। और माइक प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ, 1997 में, ये इलीगल जो किलिंग होती है एलिफेंट को उसको मॉनिटर करने के लिए बनाया गया है। और फर्स्ट एलिफेंट रिजर्व कौन सा, सिंघभूम। तो इतने पॉइंट से मैंने आपके जो सेशन है उसको यहाँ पे समराइज भी कर दिया है। अगर आप इतने पॉइंट याद रखोगे बेटा तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आपका रॉन्ग नहीं होगा। और एक बात याद रखना गाइस, जो एसएससी कॉम्बेट होता है ये कभी होता है आपका बताओ, 12 पीएम पे एवरी संडे को, जो कि आपका फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, जहां पर आप सभी लोगों को क्या करना है गाइस, एनरोल करके आपको टेस्ट देना है। तो गाइस अब आप लोग को एक बात और बता देता हूँ कि इस समय एसएससी की फी कितनी, देखो 6500, ये आपको पे नहीं करना है, जस्ट यूज द कोड NG10, इंस्टेंट आपको 10% ऑफ मिल जाएगा और फी हो जाएगी 5850। अब गाइस आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, है ना। मैंने सब कुछ आपको बता दिया गाइस, और अब मैं आप लोगों का कॉमेंट ही देख रहा हूँ। यस और नो। और गाइस मेरे ख्याल से मैंने एक एक पॉइंट जो है एलिफेंट के बारे में बता दिया, जो भी आपके काम का है। गुड आफ्टरनून तबाई शेरनी एवरीवन गाइस, है ना। चलें तो अब हम लोग सेशन को यहाँ पे एंड करें, या फिर किसी को कोई और दिक्कत है तो बताएं। गुड आफ्टरनून बेटा, मैं बढ़िया हूँ बेटा, आई होप आप भी अच्छे होंगे। तबाई शेरनी बिल्कुल, है ना, वेलकम करली मैन। तो अमित कोई बात नहीं भाई, करने दो। कमलदीप एवरीवन गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, आई होप किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगा। और एक बात और बताता हूँ, आज शाम को 4 बजे वाईफाई स्टडी जो मेन चैनल है वहां पर एक सेशन लेकर के आऊंगा, मुश्किल से 10 से 15 मिनट का सेशन होगा, और वहां पर मैं आप लोग के साथ में डिस्कशन करने वाला हूं क्या 400th बर्थ एनिवर्सरी जो मनाई जा रही है हमारे जो सिख गुरु है 9वें नंबर के तेग बहादुर जी की, उसके बारे में मैं वहां पे बात करूंगा, ठीक है। तो वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस, कमलदीप आयुषी CRC7 सब में आएगा भाई, शिवानी अमित स्वाति भानु विद्या आसिम शिवानी कार्तिक बातकर मिस्टर दाहिया एवरीवन गाइस। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू एवरीवन गाइस, बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।